जिहड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा कमेटी होंद विच आई है उहदी जिहड़ी 1947 तो बाद हिंद हकूमत जिहड़ी इलैक्शनस नहीं करा रही। 1965 तो बाद इह इलैक्शनस 1979 विच 17 साल बाद होईआं ने। 1979 तो बाद इन्हां ने 1996 च कीतीआं ने और 96 तो बाद 2004 2004 तो बाद 2011। सो अगर कोई भी दुनिया दे विच किसी भी स्टेट दे विच जे कोई मोदी साहब नू कहे कि 2004 वाली पार्लियामेंट सरदार मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर नू तुसी हुण जिहड़ी है ताकत दे दिओ, कोई भी नहीं देगा। और इत्थे की हो रहा है कि जिहड़ी 2004 दे विच श्रोमणी कमेटी चुनी गई सी उहदी जिहड़ी एग्जैक्टिव कमेटी है इस हाउस नू चला रही है। तुसी ये देखो कि 18 साल पुरानी एग्जैक्टिव कमेटी कोल इस श्रोमणी कमेटी का प्रबंध चलाउण दा कोई भी कानूनी हक नहीं है। इहदा कारण की है? क्योंकि जिहड़ा पंजाब जिहड़ी श्रोमणी कमेटी है ये अंग्रेजा ने जिहड़ा ब्रिटिश पंजाब सी उहदे विच बनाई सी। और जदों देश की वंड हुई है जिहड़ा पंजाब उह तीन हिस्सों च वंडिया गया, पंजाब हरियाणा ते हिमाचल प्रदेश। हुण जिहड़ियां श्रोमणी कमेटी दियां टोटल 185 सीटां ने जिहदे विचों 170 दी इलैक्शन हो रही है। 170 दे विचों जिहड़ियां 155 सीटां पंजाब दियां ने, एक सीट हिमाचल प्रदेश दी है और एक सीट जिहड़ी है चंडीगढ़ दी है, 13 सीटां हरियाणा कमेटी दियां ने। हुण तुहानूं सारिआं नूं पता है कि सेंटर गौरमेंट ने जिहड़ा हरियाणे दी कमेटी नूं वक्खरी मानता दे दित्ती है। हुण कल्ला हरियाणा ते चंडीगढ़ दी एक एक सीट जिहड़ी चंडीगढ़ दी है उहदे करके जिहड़ी पंजाब दा एक्ट है इहनूं सेंटर दी होम मिनिस्ट्री हेठ रख्या गया है। सो असीं अज इस प्लेटफॉर्म राहीं दसना चाहुंदे हां कि जदों 155 सीट्स पंजाब, जिहड़ी कानूनी गल हैगी है उह इह है कि हिंदुस्तान दे विच इक जिहड़ी लैंडमार्क 13 जजस सुप्रीम कोर्ट दे जजां दी इक जजमेंट आई है। वो जजमेंट कहती है कि जिहड़ियां पीरियोडिक फ्री ते फेयर इलैक्शनस ने वो जिहड़ा हिंदुस्तान का संविधान है उहदा बेसिक फीचर का पार्ट है। और इस तो बिना सुप्रीम कोर्ट ने नंबर ऑफ जजमेंट्स पास कीतियां ने जिहदे विच कहा है कि जिहड़ा आर्टिकल 324 दे विच इलैक्शन कमीशन है उहदी ड्यूटी है कि वह जिहड़ी इलैक्शनस नू टाइम बाउंड मैनर नाल पीरियोडिक टाइम ते जिहड़ियां ने 5 साल बाद करवाउणा उहदी ड्यूटी है। जे कोई भी स्टेट ये इलैक्शन नहीं करवाउंदी इहनू जिहड़ा डूम्स डे समझा जाऊगा। सो सुप्रीम जिहड़ा एक कानून है श्रोमणी गुरुद्वारा एक्ट है इहदे विच एक गल होर भी लिखी गई है क्योंकि जदों ये 1925 दे विच कानून बनिया सी वर्ड दे विच मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है कि श्रोमणी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पहली संस्था है जिहदे विच हर सिख नूं गुरुद्वारिआं दी मैनेजमेंट विच हिस्सा लैण उहदी कमेटी दी चोण करन दा अधिकार है। इस तों पहले इह जिहड़ा अधिकार सी ना तां किसे ईसाई धर्म विच हैगा, ना किसे मुस्लिम धर्म च है और ना ही इह हिंदू धर्म च है। सो इह जदों श्रोमणी कमेटी होण च आई है तां उस वेले जिहड़े वड्डे स्कॉलर सी दुनिया ने इह कहा सी कि सिखां ने जिहड़ी है ए अंग्रेजा के खिलाफ तीसरी एंग्लो सिख वार जित ली है। और ये श्रोमणी कमेटी की जिहड़ी बनाउण लई तकरीबन 30,000 के करीब सिखां नूं जेलां च जाना पिया है। 2,000 के करीब सिख जिहड़ा सी उन्हां नूं अदालतां ने सजावां कीतियां ने और 54.5 के करीब जिहड़े मीडिया हाउसिस सी उन्हां दे एडिटर्स नूं भी सजावां होईआं ने। सो इहनां दी इह श्रोमणी कमेटी सिखां दी लड़ाई दी बदौलत इह गल हैगी है कि अज मुस्लिम श्राइन बोर्ड बनिया है, अज हिंदू श्राइन बोर्ड बनिया हैगा। सो इह जिहड़ा श्रोमणी कमेटी दा एक्ट है इह जिथे सानू इह ताकत दिंदा है कि तुसीं गुरद्वारिआं दी सांभ संभाल कर सकदे हो, उत्थे इह वी कहिंदा है कि जिहड़ी उत्थे काबज़ ते रहि अगर वह मिसमैनेजमेंट करती है तो वह डेमोक्रेसी लिए डिस्ट्रक्टिव होएगी, संस्थावां तबाह हो जाएगियां। अज जिहड़ी हिंद हकूमत इलैक्शन नहीं करा रही उहदा नतीजा की निकलिया कि जिहड़ी 2004 वाली इलीगल कमेटी है उहने यह कह दिता है कि 328 रूपां दे विच
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 15 ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 15 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।